हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। पहले हम एसिड्स बेसिस एंड इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स? एसिड्स एंड बेसिस गिव हाइड्रोजन गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन रिएक्ट्स विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स। जनरल या सिंपल वे में यहाँ पर दिया हुआ है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, इसी तरीके से बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि एसिड्स या बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हम देखेंगे कि जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनकी रिएक्शन किस तरीके से होगी। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इट फॉर्म्स सोडियम जिंक एंड हाइड्रोजन। तो जिंक जो है वो एक धातु है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो सोडियम जिंक और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम एक धातु है, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी वाटर की प्रेजेंस में तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर फॉर्म। अब यहाँ पे शॉर्ट में दिखाया हुआ है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। इसी तरीके से जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म होंगे। अब हम इन्हें रिएक्शंस के साथ देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट लेकर कि उसके एसिड के साथ रिएक्शन करने से कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के साथ। जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं। इसी तरीके से जब सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होंगे, साथ में वाटर फॉर्म होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट्स। अब जब एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो हम देखेंगे। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगी, अब क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट आयन है तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म होंगे। बेसिस जो है वो मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। एंड जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एसिड्स और बेसिस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि एसिड्स की वैसे पहचान होती है कि आपको इनके स्टार्टिंग में H देखने को मिलेगा और बेसिस में लास्ट में OH होगा। तो ये एसिड है HCl, NaOH, इसमें लास्ट में OH है तो ये बेस है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये H और ये OH मिलके वाटर फॉर्म कर लेंगे और बाकी ये NaCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हो रहे हैं
इसी तरीके से अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो सल्फेट आयन फॉर्म करेगा, यानी कि सोडियम सल्फेट और वाटर फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम पिछले अभी पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, तो इनसे भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स हमें ध्यान रखना है कि ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल है उसका ऑक्साइड है ये, तो ये बेस है। तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर फॉर्म होगा, और साथ में इसका जो सॉल्ट बना है मेटल का वो कॉपर क्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्लोराइड आयन वाला होगा। ऐसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होंगे। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये एसिड है और ये बेस, तो फिर रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे हमारे पास। तो अब हम देखेंगे कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेस यानी कि जिसके पीछे OH होगा, तो ये NaOH के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म होंगे। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फाइड और वाटर फॉर्म होंगे। अब हम देखेंगे एसिड्स और बेसिस में डिफरेंसेस। अब जो डिफरेंसेस हैं वो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं इसलिए सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देते हैं और बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड्स का जो कलर है वो मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देगा, बेसिस में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो येलो हो जाता है। फिनॉफ्थलीन डालने पर एसिड्स कलरलेस ही रहेंगे, जबकि बेसिस जो हैं फिनॉफ्थलीन डालने पर पिंक कलर में टर्न हो जाएंगे। एसिड्स जो हैं टच करने पर उनमें कोई सोपी टच नहीं होता, जबकि बेसिस जो हैं वो अगर हम छूते हैं तो वो चिकने साबुन की तरह चिकने लगते हैं। जब एसिड्स को सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी कि जब हम उन्हें वाटर में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन्स फॉर्म होंगे। बेसिस को सॉल्यूशन बनाने में हाइड्रोक्सिल आयन्स फॉर्म होते हैं, एसिड्स हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं वाटर में, जबकि बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करेंगे वाटर में। यहाँ पे इक्वेशन से शो किया हुआ है तो इसे आप याद कर लेना। अब हम देखेंगे कुछ ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोट्रिक होते हैं। एम्फोट्रिक मीन्स वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड्स, तो ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड के कुछ एग्जांपल्स हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक। एग्जांपल हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, वाटर H2O, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 एट्सेट्रा। आशा करती हूँ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स और बेसिस की और ऑक्साइड्स समझ आ गए होंगे कि किस तरीके के कोई एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं
Thanks for watching.